गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक के लास्ट वीडियोज में हमने न्यूमेरिकल्स और सीरीज सर्किट पढ़ा। तो सीरीज सर्किट में भी अभी हम अभी तक के लास्ट दो वीडियोज में हमने जो डिस्कस किया वो न्यूमेरिकल ऑन सीरीज आरएल सर्किट था। अब आज के वीडियोज के आगे से जो डिस्कस करेंगे हम वो न्यूमेरिकल ऑन सीरीज आरसी सर्किट होगा। तो न्यूमेरिकल देखेंगे, स्टार्ट करेंगे कैसे लगता है, क्यों किया जाएगा, कैसे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अ वोल्टेज स्मॉल वी इक्वल टू स्मॉल v इक्वल टू 100 साइन 314 t इज अप्लाइड टू अ सर्किट consisting of a 25 ohm resistor and 80 microfarad capacitor in series determine number one peak value of current. नंबर टू में कर रहा है पावर फैक्टर। नंबर टू में पावर फैक्टर नंबर थ्री में टोटल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। नंबर थ्री में टोटल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। ठीक, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, तो पहले पढ़ के हम ये समझेंगे कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से दिया हुआ, एक वोल्टेज है जहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू स्मॉल v इक्वल टू 100 साइन 314 t दिया हुआ है। इज अप्लाई टू अ सर्किट, जिसको अप्लाई कर रहे एक सर्किट पे, ठीक, जहाँ पे कंसिस्ट कर रहा है वो सर्किट 25 ओम का रजिस्टर और 80 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जो कि आपस में सीरीज है। तो आपस में सीरीज यानी कि सीरीज आरसी सर्किट है। तो ऐसे ही केस में कह रहा है डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई मैक्स पूछना है। नंबर टू में कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर बताना है। और नंबर थ्री में कह रहा है टोटल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट। तो सॉल्यूशन में देखें वी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 साइन 314 की। तो यहां से अगर हम कंपेयर कर लें स्टैंडर्ड इक्वेशन से वी मैक्स साइन ओमेगा टी, तो कंपेयर करके हमको क्या मिलेगा, वी मैक्स की वैल्यू मिल गई 100 वोल्ट और ओमेगा की वैल्यू मिल गई 314 रेडियन पर सेकंड। अब आगे देखिए रेजिस्टेंस की भी वैल्यू दिया हुआ है 25 ओम और सी की वैल्यू दिया है 80 माइक्रो फैरड। 80 माइक्रो फैरड मतलब 80 × 10⁶ फैरड। ये हो गया। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इस पे आपको सोचना है। तो 80 माइक्रोफेरेड को फेरेड में लिखेंगे, 80 माइक्रोफेरेड को फेरेड में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 18 × 10⁶ फेरेड। ठीक, अब आगे इसको बढ़ाएंगे क्वेश्चन को।
हमको क्या कर लेना है, पहले c को xc में बदल लेना है। तो xc c को xc में बदलेंगे तो xc इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा c, 1 अपॉन ओमेगा c हो जाएगा। 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 314, c की वैल्यू 80 इनटू 10 पावर माइनस 6, ठीक ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर करके देखेंगे कि कितना आना चाहिए, कैलकुलेट करके बताइए आप लोग कितना आएगा। ये आएगा 39.789, क्लियर है, XC हो गया। अब जब हमको सर्किट में R और XC मिल जाएगा तो इम्पीडेंस ऑफ निकालेंगे क्या, इम्पीडेंस ऑफ सीरीज RC सर्किट हम Z इज इक्वल टू क्या करेंगे, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी दी है, आर की 25 दी है, 25 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू कितनी लाया, 39.789 इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखें आप लोग कितना आना चाहिए, इसको सॉल्व करके देखिए कितना आना चाहिए। फटाफट सॉल्व करिए आप लोग, तो कुछ लोग सॉल्व कर चुके होंगे। इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए कितना, 47 हो, कितना आएगा 47 हो। अब हमको जब इंपीडेंस ऑफ द सीरीज आरसी सर्किट मिल जाएगा तो अब हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या निकालेंगे, पहला पॉइंट क्या पूछा जा रहा है, पहला पॉइंट पूछा जा रहा है पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो पीक वैल्यू ऑफ करंट को किससे लिखते हैं, आई मैक्स से, आई मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स बाई जेड। वी मैक्स कितना दिया है, 100 दिया है, डिवाइडेड बाई 47 कर देंगे। तो फटाफट से सॉल्व करके आप लोग बताइए कितना एम्पियर आना चाहिए। जो लोग कर लिए होंगे उनका 21.28 एम्पियर के लगभग आ रहा होगा, सही है ना। हाँ जी, तो नेक्स्ट नंबर टू की बात करेंगे। नंबर टू में क्या कहा जा रहा है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को किससे डिनोट किया जाता है, cos phi से, और cos phi इक्वल टू होता क्या है, इंपीडेंस एंगल से R by Z। R की वैल्यू कितनी दी है, 25। आप Z की वैल्यू कितना निकालें, 47। तो इसको फटाफट सॉल्व करके बताइए आप लोग। साल हो चुका होगा अब तक, इसकी वैल्यू आएगी 0.5319। नेक्स्ट नंबर थ्री की बात करें। नंबर थ्री में क्या पूछा गया है, टोटल पावर कंज्यूम बाय द सर्किट, ठीक। इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल पी से। पी इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई। अगर आप इसको मैक्सिमम फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बी मैक्स आई मैक्स बाई टू इंटू कॉस फाई कर लीजिएगा। तो बी मैक्स आई मैक्स कितना दिया है, 100 दिया है बी मैक्स, और आई मैक्स कितना निकाले आपने, 21.28, ठीक। इंटू कॉस फाई कितना निकाला था आपने, 0.5319। इसको फटाफट से सॉल्व करके बताइए आप लोग। तो कुछ लोग कर चुके होंगे, आंसर इतना आना चाहिए, 56.6 वाट, ठीक। तो
5 मिनट आप लोगों के लिए समय दिया जा रहा है, वो पूरी नाच से पूरी ढंग से कर लें, सीख लें, समझ लें, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप सब इसकी एनालिसिस कर चुके होंगे, तो इरेज कर करके नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात किया जाए, डिस्कस किया जाएगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, देखें दिया हुआ है अ वोल्टेज अप्लाइड टू अ सर्किट स्मॉल v इक्वल टू 100 साइन ब्रैकेट में 100 साइन ब्रैकेट में ओमेगा t प्लस 30 डिग्री एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज the circuit is I is equal to 20 sine I is equal to 20 sine omega t plus 60 degree full stop के बाद लिखा हुआ है determine the impedance कामा रेजिस्टेंस कामा रिएक्टेंस कामा पावर कामा रेजिस्टेंस कामा रिएक्टेंस कामा पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एंड पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट ठीक। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे क्या दिया हुआ और क्या पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन है जो कि लिखा हुआ है अब वोल्टेज अप्लाई टू अ सर्किट, एक वोल्टेज जो कि अप्लाई किया जा रहा है किसी सर्किट पे, जहां वोल्टेज की वैल्यू दिया हुआ कितना v इक्वल टू 100 sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री ठीक एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और उस सर्किट में जो करंट फ्लो रहा है उसका इक्वेशन दिया हुआ 20 साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री ठीक। तो कह रहा है इंपीडेंस बताइए, इंपीडेंस मतलब जेड बताइए, रेजिस्टेंस बताइए, रेजिस्टेंस मतलब आर बताइए, रिएक्टेंस मतलब एक्स बताइए, पावर मतलब पी बताइए, और पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई बताइए ठीक। ये पूछा जा रहा है तो पहले हम इस देखेंगे क्या इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो ये हमको वी मैक्स मिल जाएगा और ये क्या मिल जाएगा आई मैक्स ठीक। और यहाँ पे देखेंगे कि वोल्टेज का फेज 30 डिग्री है और करंट करंट का फेज कितना है 60 डिग्री है, तो 30 और 60 के बीच में जब एंगल देखेंगे तो कितना बनेगा, मतलब वोल्टेज और करंट फेज एंगल बिटवीन वी एंड आई फाइव इक्वल टू कितना बनेगा 31 पे 60 पे, तो बीच का एंगल कितना होगा 30 होगा ठीक। एंड हियर वी सी करंट आई लीड्स बाय वोल्टेज करंट I leads by voltage small v by 30 degree. Hence, circuit is RC. Clear है? तो सर्किट की पहचान कर लेंगे कौन सा सर्किट है, उसके हिसाब से C बताएंगे, X को बताएंगे, X ही होगा कि सर्किट की पहचान हो गई, क्योंकि यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, आपने वोल्टेज से 30 डिग्री लीड करा बिटवीन, मतलब 30 डिग्री मतलब 0 से 90 के डिग्री के बीच में, तो जब लीड करेगा तो उस केस में ये सर्किट क्या कहलाएगा सीरीज आरसी सर्किट ठीक। अब आगे बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा कि जेड बराबर पहला पॉइंट निकाल लेते हैं, पहला पॉइंट क्या पूछा जा रहा है इंपीडेंस, इंपीडेंस जेड बराबर वी मैक्स बाय आई मैक्स, वी मैक्स की वैल्यू कितनी है 100 है, आई मैक्स की वैल्यू कितनी है 20 है, तो कितना आ जाएगा 5 ओम आ जाएगा, बहुत ईजी है क्लियर है। नंबर टू की बात कर लें, नंबर टू में क्या पूछा जा रहा है
रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर, तो आर कहां से मिलेगा? एक फार्मूला होता है कॉस फाई पावर फैक्टर कॉस फाई, कॉस फाई बराबर क्या होता है आर बाई जेड, तो यहां से आर बराबर क्या हो जाएगा जेड कॉस फाई, जिसे आपको बताया जा चुका है, तो यहां से आर बराबर क्या लिखेंगे जेड कॉस फाई, जेड की वैल्यू कितनी है 5 है, कॉस फाई की वैल्यू निकाल चुका है 30, तो आप चेक करिए कितना आना चाहिए 5 cos 30 की वैल्यू, फटाफट चेक करके बताइए। शायद कुछ लोग निकाल लिए होंगे कितना आना चाहिए 4.33 ओम आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्या बताना है हमको, रिएक्टेंस में भी कौन सा रिएक्टेंस, आरसी सर्किट है इसलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो एक फार्मूला होता है हमारा क्या जेड बराबर आरसी सर्किट के लिए आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर, यहाँ से एक्सी बराबर क्या लिखेंगे रूट ओवर जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ भी लिख लेते हैं एक्सी इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, तो रूट ओवर जेड की वैल्यू 4.33 नहीं सॉरी जेड की वैल्यू ये नहीं है, जेड की वैल्यू यहाँ है 5 स्क्वायर माइनस 4.33 का स्क्वायर, फटाफट सॉल्व करके बताइए आप लोग कितना आना चाहिए। कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 2.5, ये आना चाहिए 2.5 ओम। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इंपीडेंस हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रिएक्टेंस हो गया, नेक्स्ट है पावर फैक्टर, चौथा पॉइंट पावर, तो पावर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, हमको मैक्सिमम में वैल्यू पता है तो क्या लिखेंगे वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 इंटू कॉस फाई, वी मैक्स कितना है हमारा 100 है, आई मैक्स कितना है 20 है बाई 2 इंटू कॉस 30, सॉल्व करके बताइए कितना आना चाहिए, फटाफट करिए आप लोग कम से कम समय को लेते हुए। कितना लाया आप लोग आंसर, इसका आंसर आएगा 866 वाट, कुछ लोग कर भी लिए होंगे, अच्छा कर रहे होंगे वो लोग। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या पूछा जा रहा है, पावर फैक्टर को किससे डील करते हैं, कॉस फाई से, कॉस फाई यानी कि कॉस थर्टी की वैल्यू अब बताइए आप लोग, बहुत ही सिंपल है, स्टार्टिंग वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखेंगे 0.866। क्लियर है, एक बार इसकी एनालिसिस कर लीजिए आप लोग समय देख करके।
स्टूडेंट इसी टाइप के बहुत ही आपको सिंपल मिरेकल आएंगे मिलेंगे, जिसको आप बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दिया जा रहा है जिन स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ। सिंपली क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब वोल्टेज अप्लाई टू अ सर्किट, एक वोल्टेज जो कि अप्लाई किया जा रहा है किसी एक सर्किट पे, जहाँ पे बी की वैल्यू सर्किट पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 100 साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री। ठीक, जहाँ 100 क्या है उस वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू और 30 क्या है उस वोल्टेज का पीक। ठीक, एंड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, और जो करंट फ्लो कर रहा है उस सर्किट में उसकी वैल्यू क्या है 20 साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। यहाँ 20 क्या है करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स है और 60 उसका फेज है। ठीक, तो डिटरमाइन करना इंपीडेंस मतलब जेड, रेजिस्टेंस मतलब आर, रिएक्टेंस मतलब एक्स, पावर मतलब पी, और पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई, ये करना हमको। ठीक, तो अब देखेंगे कि इसका ये पहले पहचान ली कि 100 इसका मैक्सिमम वैल्यू है, 20 करंट का मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखेंगे कि वोल्टेज का जो फेज 30 है, करंट का फेज 60 है, इन दोनों के बीच में अगर एक 30 पे है और एक 60 पे है तो जब दोनों के बीच का एंगल देखेंगे तो कितना होना चाहिए, तो एक 30 पे एक 60 पे, यानी कि बीच का एंगल 30 होगा। तो इस तरीके से जो बीच का एंगल होगा 30 होगा, उसको उस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, फेज एंगल, फेज एंगल, फेज एंगल यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ठीक, अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 30 पे एक 60 पे, यानी कि 30 से 60 ज्यादा है, तो यहाँ हमने ये लिखा है हियर बी सी करंट आई लीड्स बाय वोल्टेज स्मॉल बी बाय 30 डिग्री, हैंस द सर्किट इज आरसी, क्योंकि आरसी सर्किट में क्या होता है कि करंट अपने वोल्टेज से लीड करता है 0 से 90 के बीच में। ठीक, 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब हम पॉइंट वाइज चल रहे हैं, पॉइंट वाइज पहला है इंपीडेंस, इंपीडेंस जेड बराबर होता है बी बाई आई, तो अगर हम V को मैक्सिमम फॉर्म में यूज करेंगे तो करंट को भी मैक्सिमम फॉर्म में यूज करेंगे, अगर हम V को RMS फॉर्म में यूज करेंगे तो करंट को भी RMS फॉर्म में यूज करेंगे। V max by I max कर लिए, V max की वैल्यू 100 है, I max की वैल्यू 20 है, डिवाइड कर लिए 5 आ गया। फिर इसी तरीके से नंबर टू में रेजिस्टेंस पूछा जाए तो रेजिस्टेंस R बराबर, तो एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं cos phi = R / Z, जहां से R बराबर Z cos phi आ जाएगा, दूसरी फार्मूला की हम यूज कर लेंगे, R बराबर Z cos phi, Z और cos phi में cos phi की वैल्यू 30 है, तो Z cos phi में 5 cos 60 हो गया, वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 4.33। इस तरीके से फिर नेक्स्ट देखेंगे रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस मतलब x, अब कौन सा रिएक्टेंस, सर्किट अगर RL होता तो XL लिखते हैं, लेकिन सर्किट RC है तो हम XC लिखेंगे, तो XC इज इक्वल टू रूट ओवर, पहले हम इंपीडेंस का फार्मूला जो जानते हैं RC सर्किट के लिए क्या होता है, Z बराबर रूट ओवर R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, तो यहां से XC बराबर कर लेंगे रूट ओवर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो इस फार्मूले को लाकर यहां यूज कर लेंगे, XC बराबर रूट ओवर Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, तो यानी कि रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस 4.33 स्क्वायर, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2.5 हो। इसी तरीके से पावर, पावर क्या P बराबर VI cos phi पुट करेंगे, वैल्यू डाटा आ जाएगा हमारा 866 वाट। इसी तरह पावर फैक्टर सिंपली है cos phi इक्वल टू cos 60, इसकी वैल्यू आ गई 0.866। इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो।